सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, सो हम वो चेक करने वाले हैं। एंड मैंने कुछ हैंडमेड्स भी बनाए थे पहले, कुछ जो आई डोंट नो कि उसमें सॉन्ग है, मैसेज है, क्या है, बट वो भी हम चेक करेंगे। एंड कुछ अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे, कुछ अगर आपसे रिलेट करते हैं तो ठीक है। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल भी ना करें। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि दिवाली टाइम है इसलिए बुकिंग्स ऑलरेडी मेरे पास हैं। एंड जिसको भी मेरे से रीडिंग करानी है सो आप पहले से बुकिंग कर दें ताकि आपको रीडिंग जल्दी से जल्दी मिल पाए, ठीक है। एंड हमने आज जो कैंडल यूज़ करनी है वो है पिंक। सो सबसे पहले कि मुझे जो सबसे पहला मैसेज आया है वो ये है कि यू वॉन्ट ए स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, यू वॉन्ट ए लव इन टू योर लाइफ। एंड मुझे लगता है कि बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप। सो हमें ये फील हो रहा है कि आई थिंक यू वॉन्ट ए ट्रू लव, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आप शायद उसको मतलब कैसे आप उसको तक पहुँचें या उसको कैसे बोलें कि येस, कि आप उस इंसान को चाहते हैं या पाना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा, तो आप हिचकिचा रहे हैं। बट आई थिंक आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आप प्यार करते हैं या फिर आप चाहते हैं किसी को, तो बिल्कुल आप उससे कहिए, कहीं देर ना हो जाए। मेरे को ये वाला गाना याद आ गया है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। सो आप जाके इसके बाद ज़रूर सुनना। सो सबसे पहले मुझे दो मैसेज यही आए हैं कि स्टेबिलिटी एंड लव आप चाहते हैं एंड शांति थोड़ा सा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होना चाहते हैं कहीं ना कहीं। फाइनेंशियली भी आप चाहते हैं कि कुछ तो आए अच्छा सा, ठीक है। सो यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर मनी, यू वॉन्ट टू सेव योर मनी, राइट। सो ये मैसेजेस निकल के आते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको रहना है बिल्कुल पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप पॉजिटिव रिसीव करेंगे, ठीक है। कभी भी किसी का बुरा ना करें, अच्छा ही सोचें दूसरे के बारे में, क्योंकि आप अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छा रिसीव होगा, ठीक है। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं क्यों ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक जो आपके दिल में बहुत टाइम से कोई बात लेके बैठे हो उसको आप खुल के कहना चाहते हैं, बट अभी आप कहीं ना कहीं डर है आपके अंदर, या फिर मुझे लग रहा है कि नहीं कह पा रहे हैं बट चाहते हैं आपकी वो बात आप कहें। सो मुझे सबसे पहले मैसेज जो है वो यही निकल के आया है। दूसरी बात, कंफ्यूजन है अभी आपको किसी चीज़ को लेके, आई थिंक आप बहुत कंफ्यूज हैं, तो वो चीज़ मुझे जो है वो नज़र आई है, ठीक है। यस, मुझे लग रहा है कि आपकी आँखों पे एक पट्टी बंधी हुई है, सो आई थिंक आपको वो जो ब्लाइंड फोल्ड है वो हटाना चाहिए एंड आपको देखना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके। सो मुझे लग रहा है कि वो जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था वो बहुत जल्दी जाने वाला है आपकी लाइफ से, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप जो सोच रहे हैं, आपका जो इंट्यूशन कह रहा है, आपका जो मन कह रहा है, आप वो काम करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका समय निकल रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो आया है वो टाइम को लेके आया, सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका टाइम निकल रहा है या निकल चुका है, तो आप उस चीज़ का भी आपको आभास है, या फिर लेट कर रहे हैं आप कुछ चीज़, या फिर नहीं करना चाहते टाइम से रिलेटेड कुछ चीज़, तो यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी से मिलना चाहते हैं बट कोई आपको रोकता है, या कोई किसी की बातों में आप आते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस। पजेसिव हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है डिसीजन क्या लेना है, राइट। ओके, और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपने मन की सुननी चाहिए, इंट्यूशन की सुननी चाहिए, जो आपको सही लगता है आपको वो करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी नज़र आया है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को, या फिर आप जो है थोड़ा सा फेमस हो सकते हैं, या आपका पार्टनर फेमस होगा, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्टार की एनर्जी निकल के आई है। सो मुझे लग रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, और जानबूझ के या ना जानबूझते
तो मुझे लग रहा है बट कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, अपने पार्टनर को, या कुछ तो ऐसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसको आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात मुझे जो नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि आपको मेडिटेशन की थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत है। यू हैव टू डू समथिंग वेरी गुड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक सन वाली एनर्जी रिसीव हुई है, जहाँ पे मुझे लगता है कि हो सकता है आप बहुत जल्दी उठना शुरू कर दिया है आपने, या फिर जल्दी उठना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव लग रही हैं तो आप उनको, पता नहीं, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं मुझे एक मेडिटेशन वाली एनर्जी भी निकल के आ रही है कि कि आप चाहते हो कि कुछ चीज़ स्थिर रहे। सो आप मेडिटेशन करिए, गो फॉर इट। मेडिटेशन ज़रूरी है, जो बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं तो उनको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स माई पर्सनल कॉल ऑल्सो, ठीक है, कि मेडिटेशन ज़रूरी है। जब लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो जाता है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। बट आज आपको जो है ना मैं आपको बताऊँ, आपको भरोसा बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, आप अपने पार्टनर से बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, या फिर मुझे लगता है कि आप या आपका पार्टनर बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहता हो बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, कुछ रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो अपन को लगता है कभी कभी कि यार इतना ख़राब रिश्ता हो गया है अपन कैसे सुधारेंगे, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपन सुधारना चाहते हो तो हर चीज़ सुधर भी सकती है और नहीं भी सुधर सकती है, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं सारे इंडिपेंडेंट हो जाओ, सारे अपने अपने मतलब अपने आप पे एक भरोसा, और आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो सामने वाला आपको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता है, ज़्यादा कुछ भी प्रेशर नहीं कर सकते आपको किसी बात के लिए। सो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओ माय गॉड, मुझे तो यहाँ स्कॉर्पियन एनर्जी नज़र आई है। सो मुझे लगता है कि वृश्चिक राशि, आई थिंक, राइट। और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई आपको डंक मारना चाहता है, कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एंड आपको जहर की गोली तो दे रहा है कोई, धीरे धीरे करके आपका जो है वो मन डाइवर्ट भी करता है और जहर की गोली दे रहा है, और आपका चुपके से बार करने वाला है या करता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हो रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियन एनर्जी निकल के आई है। कहीं ना कहीं आपको कोई मैनिपुलेट करता है, कहीं ना कहीं आप किसी की बातों में आ रहे हैं। तो देखो, बी वेरी अवेयर ऑफ दोज पीपल कि जो आपको मुंह पे अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। सो बी वेरी अवेयर, ओके। एक्चुअली मुझे जो दूसरी चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि मे बी आप लोगों के ही जो आपके बहुत, आई थिंक आपको लगेगा कि ये मेरा कभी बुरा नहीं सोच सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा बुरा वही सोच रहे हैं इस टाइम, जो आपको बहुत ज़्यादा लव केयर दिखाएंगे, या जो आपको समझ लो ज़्यादा समझा रहा है या फिर ज़्यादा बोल रहा है, समझ लो वो कुछ तो गड़बड़ है। तो बी वेरी केयरफुल, ओके। हम अच्छे तो सब अच्छे, राइट, हम अच्छे तो सब अच्छे। किसी के कहने से ना आप बुरे हो जाएंगे ना किसी के कहने से आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो हम बोलते हैं जो हम करते हैं वही रिसीव भी करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दो फिक्स गोल हैं आपके। सो आप कंफ्यूज हैं अभी भी कि व्हाट शुड यू डू राइट नाउ, ठीक है। सो दो चीज़ फिक्स हैं, और मुझे यहाँ पे जो चीज़ नज़र आई वो सेपरेशन नज़र आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग कि आप जो है वो सेपरेशन को ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। जैसे कि मेरी जो मेरी यहाँ पे तस्वीरें बता रही हैं वो यही बता रही हैं कि यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद समवन, एंड आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, बट आप में गट्स नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि आप डर रहे हैं उस चीज़ को कहने में, करने में, बट ठीक है, करके देखो, हो सकता है सामने वाला मान जाए, हो सकता है नहीं माने। वो आप किस तरीके से आपने व्यवहार किया है, किस तरीके से आपने उसको
कुछ कहा है या नहीं कहा है, चाहे आपने ऐसा किया हो चाहे आपके पार्टनर ने, तो कहीं ना कहीं एक डर तो है, ठीक है। अच्छा, कोई बात को लेके बैठे हैं आप तो आई थिंक वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ। यस, यू वॉन्ट टू मीट समवन एंड मुझे लग रहा है कि वट आई एम फीलिंग कि कोई एक, चाहे आप चाहे आपका पार्टनर, बहुत शांत बैठ गया है, कुछ नहीं बोल रहा है या कुछ नहीं कह रहा है अभी राइट नाउ, बट मुझे लग रहा है एक पुश मिलने वाला है आपको कहीं ना कहीं से, एंड आप एक एक्शन लेंगे और हो सकता है वो पॉजिटिव एक्शन हो, क्योंकि आप अपनी अगर बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सही जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो वो आपकी किस्मत, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग वेरी बिग राइट नाउ एंड यू डोंट वॉन्ट टू कह सकते हैं कि आप जो हैं कुछ ऐसी चीज़ नहीं खोना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत कीमती हो, राइट। आई थिंक यू और योर पार्टनर फीलिंग वेरी रिग्रेटफुल राइट नाउ, चाहे आप चाहे आपका पार्टनर बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं इस टाइम, एंड मुझे लगता है कि आप या आपका पार्टनर बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, लाइक उन्होंने अगर किसी के साथ गलत किया है या फिर अगर आपने गलत किया है तो आपको उस चीज़ का आभास हो रहा है, उस चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है, उस चीज़ का आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है ना आपको लाइक उथल पुथल हो गई है लाइफ में और वो सब सही कैसे होगा, कुछ भी ऐसा कुछ कहने से आप डर तो रहे हैं, आई डोंट नो कि क्या कहने से डर रहे हैं, बट कुछ तो आप डर रहे हो कहने से। अच्छा, मुझे कई लोगों के लिए ये फीलिंग भी आ रही है कि एकदम से, कहते नहीं है कभी कभी अपन बहुत मेहनत करने के बाद या बहुत कुछ करने के बाद हार से जाते हैं, लाइक अपन को लगता है कि रहन दे अब क्या होगा कुछ नहीं, तो कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग भी मुझे आ रही है, ठीक है। अभी आप चाह रहे हो कि एकदम से बैलेंस आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे लगता है कि जिस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में सबसे पहले आप नॉलेज रखें या जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। मे बी कई बार क्या होता है ना कि कई बार लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चाहे आपके बारे में चाहे किसी और के बारे में कुछ भी गलत भी बोल सकते हैं, सो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, या अगर आपको किसी ने कुछ कहा है या कुछ भी, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले उस इंसान से जाके पूछना चाहिए कि इज़ दैट ट्रू और नॉट, ठीक है। वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि वो आपको सच बताता है या नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा इधर ऐसा लग रहा है पेंटिकल्स वाली एनर्जी भी रिसीव हो रही है, लाइक कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसी चीज़ के चक्कर में मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसा ना कर बैठे कि नुकसान हो जाए, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मुझे ऐसा जॉब वाली अपॉर्चुनिटी बिजनेस वाली अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही है इतनी ज़्यादा कि एकदम से कई कई लोगों का होता है ना कि नहीं मेरे को मुनाफा होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। अदरवाइज़ तो मुझे लग रहा है कि आपके सर पे एक तलवार सी रखी हुई है, लाइक मुझे लगता है बहुत हैवी फील कर रहे होंगे इस टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी रहेंगे, एंड मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझने की सोचने की ज़रूरत है। कई लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि कहीं गोवा हुआ घूम के आ जाओ बढ़िया सा, आई थिंक कोई आपको बहुत डसता है, आई थिंक कोई आपको बहुत ज़्यादा कान भरता है आपके, सो चाहे आप चाहे आपका पार्टनर, आई डोंट नो कि किसके कान भरता है, बट देखो अपनी एनर्जी पिकअप कर लिया करो, क्योंकि मैंने कई बार बोला भी है कि हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो या फिर ये आपकी एनर्जी हो, तो स्विच कर लिया करो, ठीक है। सो ये थी हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग, आज की हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग। नाउ जो मैंने हैंडमेड बनाए थे मैसेजेस वगैरह वो चेक कर लेते हैं, मे भी कुछ मैसेजेस आए, तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, एम के ई जे ए और वी, ए बी है और वी भी है, एफ ओ डब्ल्यू
सॉरी ओ नहीं है, क्यू है, क्यू एक्स ठीक है, यू एन और वाई। सो यहाँ पे मुझे जो अल्फाबेट निकल के आए हैं वो यही निकल के आए हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ अल्फाबेट्स। नाउ हम कुछ पढ़ते हैं क्या क्या निकल के आता है। ओके सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि यू लेफ्ट मी व्हेन आई नीडेड यू मोस्ट, पहला मैसेज ये निकल के आया है। दूसरा देखते हैं कि क्या निकल के आता है। आई नो आई हर्ट यू, नॉट आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में जो हैं वो वापस आएँ। सेप्टेम्बर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी का कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। आज जाने की जिद ना करो, ये सॉन्ग ज़रूर सुना। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आज जाने की जिद ना करो, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। ये भी एक गाना है, आप जाके सुन सकते हैं। मे भी आप कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर से, या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहता है, तो वो आपकी उस डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, आई मिस यू अलॉट। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम। अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। You will always in my heart no matter what. कुछ भी हो जाए बट आप उनके दिल में ही रहेंगे। I want to be with you forever. आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो हमेशा ही आपके साथ रहना चाहते हैं। I am sorry what I had done before. उन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं या जो भी किया है उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगते हैं। I love you forever. ये आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं। You came into my life and taught me a lot of things. I am stuck in some situation, so I can't come to you, my love. Okay, so कहीं ना कहीं सिचुएशन में फंसे हैं आपके पार्टनर भी, तो वो नहीं आ पा रहे हैं अभी आपके पास। You are my happiness. So बहुत प्यारे messages निकल के आए हैं आपके पार्टनर आपको जो कहना चाहते हैं। You are very special to me. चार पांच message और रह गए। ओए जस्ट अ सेकेंड, वेरी सून आई एम विद यू माई लव। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो आपके साथ होंगे। जनवरी मंथ इज इम्पॉर्टेंट। तीन मैसेज और बाकी हैं मेरे। आई प्रिटेंड टू बी फाइन बट आई एम नॉट फाइन। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो प्रिटेंड करते हैं कि वो अच्छे हैं बट वो नहीं है अच्छे। अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। लास्ट मैसेज है हमारे पास, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यस, ही और शी अंडरस्टैंड्स योर फीलिंग्स। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, सो जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो आप मुझे जाके मैसेज कर सकते हैं। एंड आप लोग देखो, पहले से मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स हैं ऑलरेडी, तो आप जिसको भी करानी है मुझसे पर्सनल रीडिंग, सो आप मुझे व्हाट्सएप जल्दी से जल्दी करें और अपनी रीडिंग बुक कराएं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।